सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास गढ़वा पहुंचे। यहां उन्होंने रमना प्रखंड के भगोडीह गांव में 388 करोड़ की लागत से बनने वाली पावर ग्रिड का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार 2019 तक घर घर बिजली नहीं पहुंचा पाई तो आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। वहीं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को चेतावनी दी, अगर 2019 के जो चुनाव होंगे, अगर इस 68 लाख घर पे एक एक घर पर बिजली नहीं पहुंचा तो हम वोट मांगने आपके पास नहीं। सामाजिक विषमता के कारण कुछ लोग भटक गए, हम भी व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहते, इसलिए आप अपने घर वापस लौटो। क्यों पार पार जंगल जंगल घूम रहे हो? क्यों विकास के काम में अवरुद्ध करने का काम कर रहे हो? आप मुख्य धारा में आए। वहीं उन्होंने गांव वालों को सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का संदेश दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।